नो, स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही दिख है? रही सर, दिख रही नो सर, सर, स्क्रीन तो दिख रही होगी। मुझे मुझे दिख रही है। अपने तीसरी आंखें खोलिए आप लोग, जो है तीसरी आंखों से देखिए। चलो दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है? तो अब शायद दिख रही होगी 100%। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें हमने जी बैक बटन पे कैसे काम करना है ये कर लिया था, अलर्ट उलर्ट लगा लिया था, साथ ही साथ सर हमने जो बढ़िया है आपका स्क्रीन आपकी। आप लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद। बाकिर नईम जी आपको दिख रहा जी मुझे दिख रही है, क्लियर दिख रही है? अभी जैसे अभी है। अभी आपने नोटपैड खोल रहे हैं, नोटपैड खोला और फिर क्या लिख दिया? दिख लिखा है, दिख जा। और किसी को देखिए आ रही है, और किसी को आ रही है ये छोड़कर? ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, आप फिर से मतलब एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी मेरी स्क्रीन किसी एक को दिखेगी, सबको दिख रही होगी। ये बाकिर नईम को ही दिख रहा है, बताओ भाई। कौशिक सर आपको भी दिख रहा है? हाँ जी, हेलो। सर आ रही है, थोड़ा स्लो आ रही है, पर आ रही है। सर स्लो आ रही है, आ रही है, ऐसा थोड़ी ना। ओके चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने जो अपना वेब व्यू है, वेब व्यू को कहाँ से लोड कराया था, इसके ऐप बार मेन में, यहाँ कंटेंट मेन था, और कंटेंट मेन में यहाँ फ्रेगमेंट से हमने यहाँ पे लोड कराया था। फ्रेगमेंट जो हमारा था, कई फ्रेगमेंट थे, होम फ्रेगमेंट था, तो होम फ्रेगमेंट में मैंने लगाया था, राइट? लेकिन अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि जो हमारा भी ट्रिपल डॉट ऐसे करके बन के आता है, चलिए फ्रेगमेंट सॉरी, ये वेब व्यू में अभी और भी काम करना है, हम धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन जो ये हमारा ये तीन बिंदी ऐसे बन के आती है, जिसको ऑप्शन मेन्यू बोलते हैं, यहाँ पे हमें कुछ अगर एक्शन करना है, इस पर क्लिक कराना है, तो कैसे काम करेंगे, वो मैंने इस एप्लीकेशन में नहीं किया था स्पेशली। तो हमारा जो है फ्रेगमेंट नेविगेशन, फ्रेगमेंट नहीं, यहाँ नहीं था, मेन्यू के अंदर है। मेन्यू के अंदर जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर ड्रॉवर करके है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ड्रॉवर के अंदर नहीं, ये मेन डॉट एग्जामल है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आइटम पड़ा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट एक आइटम पड़ा हुआ है, और इससे इसका आइटम का नाम सेटिंग है। तो यहाँ से अगर हम इस पर्टिकुलर आइटम को हटा के यहाँ पे एक इस आइटम के साथ एक इमेज व्यू भी लगाना चाहते हैं, और बहुत सारे आइटम लाना चाहते हैं, तो कैसे काम करेंगे, कोई मुझे बताए? इसी आइटम को दोबारा हम कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या किया था हमने लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। इसी आइटम को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया बार बार यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन इसका नाम दे दिया जी, अबाउट अस, ठीक है। ये इसकी आईडी दे दिया जी, एक्शन कॉन्टेक्ट अस, है ना, कॉन्टेक्ट अस दे दिया। और यहाँ पे दे दिया जी मेल अस, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया, है ना। अब ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, सॉरी, यहाँ पे इसको स्प्लिट तो किया ही है, इसको हटाइए, बंद करिए। डिजाइनिंग और ये दोनों चीजें मेरी एक साथ यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है? ये कोड कोड है, डिजाइन है, डिजाइन मेरा गायब क्यों हो गया? स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के बाद गायब हो जा रहा है प्लेटीज, ठीक है।
स्प्लैटी पे क्लिक करने पे ये दिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीन ऑप्शंस आ गए। ओके, अब अगर मैं कॉल अस पे क्लिक करूँ, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ, कॉलिंग होने लगे, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग? ये तो जानते ही हो आप, वो लगाना है आप लोगों को, कोड लगाना है, बस मैं यूआई रेडी करके दूंगा। क्या करोगे? इंटेंट के थ्रू हो जाएगा ना, मेल अस करने के लिए मेल से हो जाएगा, है कि नहीं? मेल अस पे क्लिक करोगे, मेलिंग मेलिंग वाला कोड तो उस पर लिखा ही हुआ होगा। अच्छा, इन सब की जो सेटिंग, ये स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल है, इसी में सबकी स्ट्रिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे सेटिंग की है ऐसे मैं एक्शन नेम सबका यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो जैसे कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस हो गया, एक्शन यहाँ पे हो गया मेल अस, और क्या मैंने बनाया था भाई, अगला क्या था भाई? कॉन्टेक्ट अस हो गया, मेल अस हो गया, और क्या था? कॉल 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 अस, कॉल अस, तो कॉन्टेक्ट अस एक ही बात हो गया, कॉल एक मिनट कहाँ गया कहाँ गया, ये मेन डॉट एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, ये सबकी आईडी मैंने ऊपर दी थी, अबाउट अस है, ये अबाउट अस है, और ये कॉन्टेक्ट अस है, और ये मेल है ना। कॉन्टेक्ट अस में भी हम सारा चीज़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, और जो आप स्ट्रिंग में चेंज करोगे, स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज करोगे, यहाँ पे अबाउट लगा लीजिए, अबाउट अस, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग यहीं पे दे दीजिए अबाउट अस, है ना, ठीक है, मेलस, और ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टस, ठीक है। और ये मेन डॉट एग्जामल में इन सबको आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए, जैसे ये है हमारा स्ट्रिंग आईडी, ये स्ट्रिंग जो सेटिंग लिखा हुआ है इसमें जी हमने एक्शन अबाउट अस लगा लिया, इसमें जी हमने एक्शन जो है कॉन्टेक्ट अस वाला लगा लिया, और इसमें हमने मेल वाला लगा लिया, राइट, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में तो यहाँ पे हमें दिख जाएंगी, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ इमेजेस भी आ जाएं, तो कैसे करेंगे बताइए? इसके साथ इमेजेस भी आ जाएं, ये तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इसके साथ मतलब आइकन भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? किसी ने किया या नहीं किया? किसी ने नहीं किया? उस दिन हम सनी सनी के एक एप्लीकेशन था, उसमें किया था हम लोगों ने, याद है या भूल गए आप लोग? अरे बोलो भाई, नहीं लगाया था, बाकी मेरे को था। लगाया था, बाकी क्या किया था? आइकन नहीं था सर, आइकन नहीं लगाया था, आइकन नहीं लगाया था यार, छोटे छोटे काम ऐसे प्रैक्टिकल वाले कर लिया करने चाहिए। ठीक है, म्यूट करिए, तो जब आप काम कर लोगे तो उसका फायदा यही मिलेगा, कभी भी जब आपको रियल टाइम पे प्रोजेक्ट पे काम करना होगा तो फटाफट कर लोगे, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा अच्छा क्या लगाया था क्या नहीं लगाया था। ठीक है, अच्छा इस पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद कौन सा इवेंट चलता है वो तो आपको पता होगा ना, जैसे ये तीन ऑप्शन देखिए दिख गया, अबाउट, कॉन्टेक्ट, मेल अस, है ना, तो वो कौन सा इवेंट चलता है वो तो पता होगा आप लोगों को, बताइए, बोलिए फटाफट बताइए। इस पे आपको लॉजिक लिखना है, मैं देखूंगा कि कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करा तो कॉन्टेक्ट अस का एक पेज बन जाए, वहां पे आप पेज बना दीजिए, मेल अस पे क्लिक करा तो वो मेलिंग वाला ओपन हो जाए इंटेंट के थ्रू कि जी आप मेलिंग कर पाओ, अबाउट अस पे क्लिक करें, कॉन्टेक्ट अस पे तो क्या होना चाहिए ना, वो सीधे कॉलिंग शुरू हो जाना चाहिए, या तो फोन 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 पे कॉल हो जाए या कुछ और, इस तरह से आप चीज दे सकते हो। ठीक है, तो सनी है, सनी चले गए, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे आइकन करके था, हम अपना ड्रॉएबल आइकन बना लेंगे, और जो जिस पे आगे लगाना है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कैमरा वाला है तो ड्रॉएबल में आइकन हमारे पास ऑलरेडी कुछ पड़े हुए हैं, हम बस उसे को यूज करेंगे, ठीक है, जैसे एक आधा कोई भी आइकन हम उठा के यहाँ पे लगाते हैं, तो जैसे लेट से हम यहाँ पे अबाउट अस पे, यहाँ पे जी आइकन करके होता है,
तो यहाँ से ड्रॉएबल के अंदर से, ड्रॉएबल के अंदर से जैसे लोगो नहीं, आईसी बैकग्राउंड, आईसी कैमरा, ठीक है, आईसी कैमरा जैसे हमने इसके लगाया, तो यहाँ तो दिख रहा है। अब जब रियल एप्लीकेशन, लेट से मैं यही कैमरा जो है, वो तो आप आइकन अपने हिसाब से लगा लोगे, तो यही कैमरा जो है, यही आइकन मैं सब जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और जब एप्लीकेशन को यहाँ से रन करूँगा तो क्या ये कैमरा यहाँ पे दिख जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इस मेन्यू के अंदर हमने एक और मेन्यू लिया था, याद है, इस मेन्यू के अंदर एक और हमने मेन्यू लिया था, और उस मेन्यू के अंदर अगर आप इसको कर दोगे तो फिर ये दिख जाता है, और जीरो पोजीशन की वैल्यू को हमने कस्टमाइज भी किया था। तो ये एप्लीकेशन आ गई भाई सक्सेसफुली यहाँ पे रन होके, और यहाँ पे देखिए अभी जो अबाउट अस दे कॉन्टेक्ट अस मेल अस दिख रहा है, लेकिन उसके साथ क्या नहीं आ रहा है, उसके साथ आइकन नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया था भाई, एक मेन्यू टैग और लिया था, क्या नाम है, सनी नहीं है, सनी है या नहीं, सनी, ओके सनी नहीं है, ठीक है। अब जो है कोई कुछ बोल रहा है भाई, हमने एक मेन्यू बनाया, मेन्यू के अंदर ये सब आइटम डाल दिए, और मेन्यू के अंदर भी एक आइटम हम ले लेते हैं, राइट, हमने एक आइटम लगाया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और इस आइटम को यहाँ पे बंद कर दिया, तो नहीं, आइटम मेन्यू के अंदर आइटम सर, है, एक आइटम के अंदर फिर सर मैन लाएंगे, मैन उसके बाद लाएंगे आइटम। हेलो किया है या नहीं किया है, सर, किया है, बनाया है, बनाया है, किया है, बोलो भाई, अब बोल ही नहीं रहे हो जब नहीं किया है। हेलो हाँ तुम्हें से पूछ रहा हूँ, मैं ये सर, कह रहा हूँ कि किया है, बनाया सर बनाया मैंने किया है। है, मैं तो अच्छा ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो भाई, हाँ ओके। सो ये हमारा मेन्यू, रुको एक मिनट भाई, ये मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमने आइटम ले लिया, मेन्यू हमारा बंद है, मेन्यू के अंदर आइटम लिया है, तो ये आइटम हम यहाँ से, सॉरी आइटम को मुझे बंद करना है ना, तो कॉपी कर लिया, और यहाँ पे ये आइटम बंद हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसलिए नहीं यहाँ दिख रहा क्योंकि ये यहीं पे बंद हो गया, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। इसकी आईडी मैं बदल देता हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं है। एक मेन्यू ले लिया, मेन्यू के अंदर एक आइटम ले लिया, उस आइटम में हमने एक मेन्यू ले लिया, मेन्यू के अंदर हमने आइटम ले लिया, और उसी आइटम के अंदर हमने सारे आइटम डाल दिए, या आइटम के अंदर मेन्यू लिया था, क्या कह रहे थे कुलदीप, बोलो फटाफट बोलो। सर आइटम के अंदर मिल लिया था मैंने, हमने ओके तो एक आइटम हम ऊपर ले लेते हैं, तभी वो कुछ दिक्कत कर रहा था, ठीक है, आइटम ले लिया, आइटम के अंदर हमने मेन्यू ले लिया, ओके अब सही है। अब देखिए इस तरह से, लेकिन अभी ये दिख रहा है, आइटम के अंदर मेन्यू ले लिया, और इस पे जो टाइटल है वो हम ब्लैंक कर देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, टाइटल कुछ नहीं दिखेगा। अब करते हैं भाई एप्लीकेशन को रन, को टर्मिनेट कर देते हैं, ओके इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन। तो हमने एक मेन्यू, मेन्यू के अंदर आइटम, और एक आइटम के अंदर बहुत सारे
फर्दर मेन्यू, मेन्यू टैग लगा के बहुत सारे आइटम उसमें डाल दिए थे। ओके अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जब इस पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐसे आ रहा है भाई मतलब एक मेन्यू आ रहा है फिर उस पे क्लिक कर रहे हैं तब ऐसा दिखा रहा है यार। तो कैसे किया था कह रहे हो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारा? सर ऐसे दिख रहा था हमारा भी सेम टू सेम। अच्छा तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। शो इन एक्शन एक मिनट। मेन्यू हमारा है, मेन्यू के अंदर आइटम है और आइटम इन कैटेगरी हो गई। ये भी आइकन भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है अगर मैं ये मेन्यू हटा ही देता हूँ, मेन्यू हटा ही देता हूँ है ना, और आइटम के अंदर ही सारा डाल देता हूँ, मेन्यू हटा के एक आइटम के अंदर ही डाल देता हूँ, लेकिन उसके साथ भी समस्या आई थी। जीरो पोजीशन पे एक ब्लैंक दिख रहा था, एक ब्लैंक आइटम दिख रहा था कुछ, सो उसको हमने जो है हाइड करा दिया था जीरो पोजीशन वाले एलिमेंट को वहां से। देखिए भाई क्या क्या आइटम ऐड करना पड़ेगा यही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक मेन्यू लेना पड़ेगा, मेन्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे होता ही है। आइटम उसके अंदर हम ले लेंगे, आइटम की आईडी वाईडी जो है आप मेन रखिए। अच्छा टाइटल में ये जुगाड़ लगाया गया है, समझ रहे हो? टाइटल में हमने क्या कर दिया, पहले हम ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहे थे ना, तो जो ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहे थे तो वहां पे कुछ दिखता नहीं था, समझ रहे हो? अभी जैसे एप्लीकेशन को चला, आइकन भी डाल, हाँ आइकन भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ आइकन नहीं था। तो ये टाइटल में टाइटल के अंदर हमने ये तीन बिंदी ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे ये तीन बिंदी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे शो इन एक्शन जो है ऑलवेज कर दिया। तो यानी कि एक आइटम लेना था, आइटम के अंदर मेन्यू और मेन्यू के अंदर इतने आइटम्स, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में जैसे हर आइटम के बैकग्राउंड में आपको जो लगाना है, जैसे ड्रॉएबल आईसी कैमरा, कहीं पे मैं कैमरा लगा ले रहा हूँ, आपको जो ड्रॉएबल यहाँ पे लगाना है वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। गैलरी लगा देता हूँ मैं, और यहाँ से ड्रॉएबल स्लाइड मेन्यू, चलो मेन्यू लगा देता हूँ। अच्छा और हर आइटम के लास्ट मतलब यहाँ पे ऐप शो इन एक्शन में इफ रूम कर दीजिएगा, इफ रूम, ठीक है। और इनका जो टाइटल है वो टाइटल मैं यहाँ से स्ट्रिंग से उठा लेता हूँ, जैसे ये मेल अस का है, ठीक है, और इसका टाइटल जो है वो आ गया हमारा एट द रेट स्ट्रिंग, ये कॉन्टेक्ट अस से हो गया, और ये हो गया हमारा अबाउट अस एट द रेट अबाउट अस, ठीक है, स्ट्रिंग से ही लाना चाहिए। बाकी इनकी आईडी भी ऐसे दे दीजिए, क्योंकि इन पे काम अगर करना है फर्दर तो आईडी भी तो इनका होना चाहिए। तो ये किस चीज़ के लिए भाई, एक्शन एक्शन मेल ऐसे आईडी दे दिया, इसका एक्शन दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद इसका एक्शन है अबाउट, ठीक है, और यहाँ पे तीन बिंदी लगा दी गई है। बाकी अब एप्लीकेशन रन करोगे तो आपको प्रॉपरली ये मतलब अब दो बिंदी से काम नहीं चलेगा, तीन बिंदी बनाना, तीन बिंदी बनाना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे देखो दो ही बिंदी है, दो ही बिंदी आ रही है। उधर ना, उधर अपन ये डाल सकते हैं, कोई ड्रॉएबल सेट कर दें, राइट? हाँ सर, वो टाइटल निकाल के जैसे नीचे आइटम आइकन सेट किए ना, उधर वैसे आइकन सेट कर देंगे तीन बिंदी का। यस सो अभी देखिए इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो अब ये मेल के साथ ये आइकन भी यहाँ पे दिख रहा है।
अच्छा दूसरा चीज यहाँ पे मैं एक बार हाँ कहाँ से कर सकते हैं उसको, हम ड्राइवल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ से वही हम बनाएंगे वेक्टर एसेट्स, और वेक्टर एसेट्स में हम सॉरी सेलेक्ट आइकन लोड हो रहा है, वो किस नाम से था, डॉट मोर 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 नाम से, तो ये है डॉट मोर वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल मोर लेके इस पे जाके हम यहाँ पे इसका कलर जो है FFF लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा वाइट कलर का, और नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ से इसका टाइटल हटा के यहाँ पे आइकन लगा देंगे, और वो आइकन हो जाएगा भाई किसका, क्या नाम से था भाई, मोर, ये मोर वाला आइकन आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मोर आइटम लगाया, अच्छा टाइटल इज मैंडेटरी, तो टाइटल के बिना काम चलेगा नहीं है ना, तो इसलिए टाइटल हम ब्लैंक छोड़ देते हैं ऐसे है ना, और इसको आप रन कर देते हैं, मतलब टाइटल को हम ऐसे डबल कोड में लिख के छोड़ देते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका मिल गया हमें, हमने लास्ट टाइम पे जो किया था सनी, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमने जीरो पोजीशन की वैल्यू उठा के फिर उसको सेट करा, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे भी कर सकते हैं मतलब है ना, ऑप्शन और भी मिल सकते हैं, और भी तरीके खोजोगे तो और भी तरीके मिल जाएंगे। इसमें मैं देख रहा था तो स्टैक ओवरफ्लो पे दिखा रहा है कि ये कौन सा वर्जन बता रहा था, 3.0 या थर्ड ऐसे कुछ करके बता रहा था, इस वर्जन से पहले ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये हो रहा है, यहाँ पे देखो ये बता रहा था कि एंड्रॉयड 3.0 से बिफोर 3.0 ये पॉसिबल है, आफ्टर 3.0 में ये चेंजेस हैं वो चेंजेस हैं ऐसे करके बता रहा था, ठीक है। फिलहाल अभी देखो हमारा यहाँ 3 बिंदी ये आ गया और इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा आइकन इसके सामने दिख रहा है, ओके चलिए बढ़िया है गुड। तो ये ऑप्शन मेन्यू जो होता है, ये ऑप्शन मेन्यू अभी कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो आपको कोड में जाके बस आपको मेन्यू, मेन मेन्यू लेना है, उसमें आइटम लेना है, ये आइटम का शो एक्शन ऑलवेज करना है, ये ड्राइवल आपने देखा भी हमने सेट किया, टाइटल को ब्लैंक कर देना है, इसके अंदर मेन्यू, मेन्यू के अंदर बहुत सारे आइटम, और सारे आइटम में इफ रूम करके रख दिया गया है कि अगर वो वहाँ पे रूम हो तो दिखे, इफ रूम इफ रूम इफ रूम यहाँ पे लगा देना, ये मेन सेटिंग है। अब जब हम इस आइटम पे क्लिक करेंगे तो इस पे जो एक्शन होता है वो कौन से मेथड से होता है, अच्छा ये बताइए कि ये ऑप्शन मेन्यू क्रिएट कैसे होता है, इसके लिए कौन सा कॉल बैक मेथड होता है जो चलता है, जो ऑप्शन मेन्यू क्रिएट करके देता है एक्टिविटी पे। ऑप्शन मेन्यू कहाँ से क्रिएट होके दिखता है, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, जो कि मेन एक्टिविटी में होगा, ये हमारी मेन एक्टिविटी है, और मेन एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये वो मेथड है जिससे हमारा ऑप्शन मेन्यू वहाँ पे दिखता है, राइट। अच्छा और उसके बाद जब हम ये चाहते हैं कि जो ऑप्शन मेन्यू पे क्लिक करें तो कुछ अलग से एक्शन हो, जैसे मैं क्लिक करूं मेल एस पे, तो मेल एस का जो इंटेंट होगा वो मैं लिखना चाहता हूं, तो वो कैसे लिख सकता हूं बताइए, वो कहाँ जाके लिख सकता हूँ। सर पहले सर वो आई डिफाइन करेंगे ना पहले, वो नहीं कहाँ कौन से वाले मेथड उसमें लिखेंगे हम, मतलब कॉल बैक मेथड में लिखेंगे, उसके लिए कोई कॉल बैक मेथड है या इसी में लिख दें ऑन ऑप्शन क्रिएट मेन्यू में, सर इसी में लिख सर दें। हाँ हाँ सर, दूसरा मेथड है ऑन ऑप्शन का, दूसरा आइटम मेथड है सर, सेलेक्टेड, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, यस ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड एक अलग कॉल बैक मेथड है, इसको हमें अलग से ओवरराइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो ऑन ऑप्शन, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ये देखिए आ गया ऑन ऑप्शन, ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, जिसमें ऑप्शन आइटम जो सेलेक्ट होता है उसके लिए ये कॉल बैक मेथड होता है, इसमें मेन्यू आइटम टाइप के पैरामीटर जा रहा है, ठीक है। अब बताइए इसके अंदर क्या करा जाए भाई, ऑप्शन आइटम कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड या ऑप्शन आइटम क्लिक्ड भी होता है,
हाँ जी नहीं सर, सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा ऑप्शन आइटम है? सर आईडी रहती है, आईडी करना पड़ेगा। आइटम आइटम डॉट आइटम आईडी करके रहते यहाँ आइटम में, तो आइटम में तो आईडी मतलब वो आइटम पहुंच जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम आइटम डॉट क्या करें बताइए, गेट आईडी, गेट आइकन, गेट आइटम आईडी। तो गेट आइटम आईडी ठीक है, इसको स्विच के अंदर डाल देते हैं राइट। स्विच के अंदर गेट आइटम आईडी आ जाएगी और उसके बाद इसका बना देते हैं केस ठीक है। एक केस बना देते हैं कि भाई आर डॉट आई डी डॉट अबाउट अस, अगर अबाउट अस पे क्लिक करा तो जो भी एक्शन करना है वो यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे बस आपको एक्शन करना है वो इंटेंट इंटेंट लगाना है, मैं तो मैसेज बस लिख देता हूँ अबाउट अस ऐसे करके। इसको ब्रेक कर देते हैं, बस दो लगा के देख लेते हैं है ना। एक केस और लगाते देते हैं ये अबाउट अस के लिए, और एक हो गया हमारा ये हो गया कॉन्टेक्ट अस के लिए। ये कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस की आईडी वहाँ पे तो है ना, बताइए आप लोगों को। कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस, रन कर देते हैं एप्लीकेशन ठीक है। ये यहाँ पे बंद हो रहा है तो टर्मिनेट, और ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया। ठीक है तो ओके, तो यहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन लोड होने वाली है। ये तीन बिंदी है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करा टोस्ट आ गया कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस पे क्लिक करा टोस्ट आ गया अबाउट अस। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस में जो भी काम करना होगा वहाँ पे आप कर सकते हो ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आइकन है वो भी सही कर सकते हो ओके। अब बात कर लेते हैं भाई जो हमारा मेन जो हमारा वो आता है क्या कहते हैं जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। सर इसमें वो नीचे वो रिटर्न किया हुआ है सुपर डॉट, तो उसके बारे में मतलब वो क्यों किया है, अगर उधर कुछ और लिखेंगे तो चलेगा? नहीं 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 कर दिया, या अभी इधर कैसे लिखा हुआ है रिटर्न सुपर डॉट ऑन ऑप्शन सेलेक्टेड आइटम आइटम पास। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है पेरेंट क्लास तक एक्टिविटी क्लास तक पहुंचती है ना, रिटर्न कर देते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन सुपर क्लास तक पहुंचती है तभी वो चीज़ हमें दिखती है ना। देखो सबसे पहले ऑप्शन जैसे ऑप्शन जो भी भाई देखो हमारी एक्टिविटी को कैसे पता चलेगा कि आपकी अपनी एप्लीकेशन में ऑप्शन मेन्यू क्रिएट हुआ या ऑप्शन मेन्यू सेलेक्ट हुआ। तो जब भी ऑप्शन मेन्यू क्रिएट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिटर्न होके जाती है, और जब ऑप्शन मेन्यू जो है उस पर कुछ आइटम सेलेक्ट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है ना। तो उसको हमें देना पड़ता है, तो क्या करेंगे कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न कराना ही पड़ेगा। तो चलो ठीक है बुलियन है रिटर्न, मैं यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा ठीक है। कुछ ना कुछ तो रिटर्न कराना था तो मैंने फॉल्स रिटर्न करा दिया ठीक है। अब सुपर क्लास क्या है कि हमारे पास सुपर क्लास तो अभी हमारी इनडायरेक्ट हमारी एक्टिविटी क्लास ही है। ठीक है तो ऑप्शन मेन्यू, मेन्यू का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑप्शन मेन्यू में जाता है, और जब मेन्यू आइटम सेलेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट जो होता है ऑप्शन मेन्यू सेलेक्टेड के अंदर पहुंचता है ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन आ गई, अब इस पर हमने क्लिक करा, कॉन्टेक्ट अस चल रहा है, हाँ चल रहा है ये, मतलब वो इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुँचा लेकिन फिर भी ये उस पर एक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आप रिटर्न करा दो ट्रू फॉल्स, अच्छा दोनों में से कुछ भी करेंगे चलेगा वो? बिल्कुल ओके ओके। तो ये हो गया ऑप्शन मेन्यू की बात। अच्छा नेविगेशन में, अच्छा ये जो किनारे से नेविगेटर खुल के आ रहा है इस पे कैसे एक्शन करोगे आप? जैसे ये मान लो कि मैं जैसे होम पे क्लिक करा तो होम वाला तो आ गया, गैलरी पे क्लिक करें तो गैलरी आ रहा है,
तो ये गैलरी का फ्रेगमेंट आ रहा है और ये स्लाइड शो, कल को मुझे कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एक फ्रेगमेंट फिर से बनाना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो आप। तो मैं इसलिए अभी नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं उसी होम फ्रेगमेंट में ही जाके थोड़ा सा अभी पहले इसके बारे में काम कर लेता हूँ, क्या नाम है, जो हमारा ऑलरेडी जो हमने वेब व्यू ओपन किया था उसके बारे में काम कर लेता हूँ। तो किस कोई और दो दूसरी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं जहाँ से हम अभी हमारी वो वेबसाइट, चलो हम फ्लिपकार्ट ओपन कर लें या कोई और एप्लीकेशन, कोई और वेबसाइट, कुछ भी ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। इसी का ही यूआरएल उठा के हम अपनी जो होम फ्रेगमेंट है इसमें यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपने वेब व्यू में क्या देखा अभी तक? वेब व्यू में आपने ये देखा कि आपको एक वेब व्यू बनाना है, वेब व्यू की आईडी गेट करनी है, उसके बाद वेब व्यू की आईडी निकालने के बाद आपको क्या करना है, वेब व्यू का मेथड होता है लोड यूआरएल, तो जो भी आपको यूआरएल लोड कराना है इसके अंदर पास करिए, वो आपका यूआरएल लोड हो जाता है। लेकिन जब यूआरएल लोड होता है वो एक सेपरेट ब्राउजर में ना जाके इसी एप्लीकेशन में लोड हो, ऐसा करने के लिए हम वेब व्यू का ही एक मेथड है, वेब व्यू का एक मेथड है जिसका नाम है गेट सेटिंग, जिसे हमें वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट मिलता है, वेब सेटिंग एक बनी बनाई इसकी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हमें मिलता है ना। और ये एप्लीकेशन थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है अभी, वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट मिलता है, वेब सेटिंग के ऊपर हम वेब एप्लीकेशन में जो भी सेटिंग करनी होती है जैसे उसमें जावास्क्रिप्ट इनेबल करना, डिसेबल करना, ये सब हम कर सकते हैं, और भी देखिए जो एक्शन कर सकते हैं, डॉट लगाओगे तो पूरा खानदान आ जाएगा कि जैसे मुझे कैसे इसमें अलाउट करना है ना, कि भाई ये लोड करके रखे, किसी वेब पेज का जो टाइम है वो हम सेट करके रखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, कैशे मोड इनेबल करना, डिसेबल करना, मैक्स टाइम, मिन टाइम, टेक्स्ट, बहुत सारे मतलब इसके मेथड हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, बेसिकली वेब व्यू का ही सेट वेब व्यू क्लाइंट एक मेथड होता है, यही वो मेथड है जिसके थ्रू हम मेनली एप्लीकेशन में क्या करते हैं, बेसिकली ये मेथड है जो आपकी वेब क्लाइंट को आपके सेम फोन में मतलब रखती है, क्योंकि देखो हमने वेब सेटिंग का जो ऑब्जेक्ट गेट कर लिया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने क्या कह दिया कि भाई जो हमारा वेब व्यू क्लाइंट है वो इसी के अंदर दिखे, तो इसीलिए हमने वेब व्यू क्लाइंट का ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा दिया, तो ये एप्लीकेशन ये फोन में ही सॉरी ये सेम एप्लीकेशन जो है अदर ब्राउजर में न जाके यहीं पे ओपन होके आ रही थी, ठीक है। तो ऐप कहाँ चला गया भाई, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड तो हुआ होगा, किस नाम से है, एप्लीकेशन का नाम क्या था, कौन सा बाजार था, वो एप्लीकेशन तो दिख नहीं रही है यहाँ, या कहीं सहारनपुर बाजार, ठीक है। तो अभी लोड हो के नहीं आया था ये प्रॉपर, मतलब ये बहुत देर बहुत टाइम लग रहा था लोड होने में। चलो एक बार दोबारा मैं यहीं से चला लेता हूँ। ऑर्डर में ठीक है, सलीमपुर बाजार, ओके। तो ये ऐसे ही आएगा, ये इतने भी स्लो नहीं है, इसमें इंटरनेट की एकदम इतना स्लो लोड हो रहा है, देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा स्लो लोड हो रहा है। ये नीचे वेबसाइट है सर, कोई दूसरा यूआरएल डाल दीजिए, शायद फ्लिपकार्ट लोड लेने में टाइम ले रहा हो। हाँ मे बी, कोई है किसी का कोई वेबसाइट यूआरएल, कोई और वेबसाइट बताओ जो सिंपल सी किसी की वेबसाइट हो जिसमें कुछ पॉपअप वगैरह भी हो या कुछ और ऑप्शंस हो। कौसलेन सर, आपका जो यूआरएल है वेबसाइट का वो कहाँ पे है? दे रहा हूँ सर,
ठीक है, उसमें पॉपअप मेन्यू है? हाँ है। बीच अच्छा मैं ठीक है दिखाइए। अमेज़न का डाल दो सर। नहीं कोई भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो है कि उस वेबसाइट को लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। एक मिनट डाल दिया चैट में। जी 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 ये HTTP वाला दिया दिया आपने? हाँ सर चल गया है, चला लिया हमने। ओके तो मैनिफेस्ट में वो है। करनी पड़ेगी। ओके बहुत बढ़िया। तो मैं जो है अभी जस्ट अभी चला है। ठीक है मैं सेम URL लॉन्च करता हूँ अभी। ठीक है तो मतलब इसमें क्या है कि वेब पेज के अंदर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे हमें अगर हैंडलिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है जी, उसमें कोई पॉपअप आ रहा है उसको हैंडल करना है, या आप जब पेज पे क्लिक कर रहे हो जितने बार क्लिक कर रहे हो और बैक बटन पे क्लिक करो तो बार बार बैक हो तो उसको कैसे हैंडल करोगे? तो ऐसे मतलब बहुत सारे इसमें एक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्क हो जाते हैं जिसको हमें हैंडल करना है। ठीक है तो क्या क्या वेब आपने क्या सेटिंग करी है अपने इसमें मैनिफेस्ट में? ये सर इसमें चैट में डाला है सर हमने एक वो है मैनिफेस्ट में जा। समझ गया ये CC क्लीनर वाला ये। ओके क्लियर ट्रैफिक करके। हाँ बिल्कुल ये आता है एक प्रॉपर्टी, क्लियर ट्रैफिक करके एक आता है प्रॉपर्टी। ये एप्लीकेशन के अंदर ही डालना होता है ना? आप चला सकते हो। क्लियर नॉट परमिटेड, क्लियर टेक्स्ट इज नॉट परमिटेड दिख भी रहा था इसमें नेट के साथ, यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन में लिखा आ रहा है कि क्लियर ट्रैफिक जो है ये परमिटेड नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो फिर उस केस में इसकी हैंडलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जी आप कैसे, आप क्लिक करोगे तो कैसे हैंडल करोगे, फिर क्लिक करोगे तो कैसे हैंडल करोगे। तो वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी आप इसमें अपना करते रहेंगे। ठीक है लॉन्च हो गई एप्लीकेशन। ठीक है तो ये देखिए वेब पेज जो है अभी यहाँ पे लोड हो रहा है ना, ये लोड हो गया पेज। अब देखिए यहाँ पे इस पेज के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है कई सारे ऑप्शन हैं। अब जैसे लॉगिन वाला पेज है, लॉगिन पे हमने क्लिक करा तो ये लॉगिन वाला खुल गया है ना। अब जो है एडमिन लॉगिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो एडमिन लॉगिन होना चाहिए मतलब कायदे से। ठीक है अगर मैं फेसबुक लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये बटन काम करना चाहिए, लेकिन ये फेसबुक लॉगिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है लेकिन आपकी ओरिजिनल वेबसाइट में तो काम करता होगा है ना, जीमेल लॉगिन तो ये काम करता होगा? नहीं सर उस पर ये लॉगिन करेगा सर, इसमें सर नीचे कोविड हेल्प लॉगिन है सर, क्या करिए आप? हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फेसबुक लॉगिन और जीमेल लॉगिन पे इस पे आपने लॉजिक लिखा ही नहीं है क्या? नहीं इस पे काम नहीं किया सर, ये नहीं कर रहा। अच्छा 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 कोविड हेल्प। ठीक है तो मैं आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा हूँ। अच्छा एक चीज रुकिए अभी, कोई बात नहीं रहने दीजिए। अभी क्या है कि वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा, फिर करेंगे लॉगिन, सबको नहीं बताना है। तो अभी क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने उस पे पेज पे क्लिक किया था, यहाँ पे आ गए, अब हम बैक बटन पे क्लिक करना चाहते हैं तो ये देखिए ये बैक बटन तो हैंडल ही नहीं हो रहा है। अब ये कह रहा है प्रेस अगेन टू एग्जिट, वो वाला कोड चल रहा है ऑन बैक प्रेस, समझ रहे हो आप, ये ऑन बैक प्रेस हो रहा है और ये एप्लीकेशन एग्जिट हो गई, तो वो काम हमारा नहीं हुआ है ना। तो वो उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे? तो उसी सारी चीजों की हैंडलिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था
कि इस पर्टिकुलर वेब व्यू क्लाइंट के अंदर जो ये वेब क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया जाता है, ये वेब क्लाइंट क्या करता है ना, ये वेब क्लाइंट क्या करता है मेनली, इसी का ही सारा खेल है। इस वेब क्लाइंट, ये बाय डिफॉल्ट जो वेब क्लाइंट होती है ना, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, बाय डिफॉल्ट जो वेब क्लाइंट होती है वो वेब क्लाइंट, एक मिनट जरा होल्ड करिए, वो वेब क्लाइंट जो है ये फैसिलिटी हमें नहीं देता है कि जी इसका ऑब्जेक्ट बने या ये यहाँ मतलब ये सारी चीजें हम हैंडल कर पाए। तो इसके लिए हमें जो अपने ब्राउजर है उसको हैंडल करना पड़ेगा, अपने क्रोम ब्राउजर को हैंडल करने का कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो किसी ने हैंडलिंग करी है कभी, किसी ने, एनीवन, सुनील कभी किया हैंडलिंग? हाँ सर किया। तो क्या करेंगे बताओ, कैसे कैसे करेंगे? सर इसमें वो यूज होता है ना, क्रोम वेब क्लाइंट को एक्सटेंड करते हैं, फिर उसका एक मेथड रहता है सर ओवरराइड यूआरएल लोडिंग। तो जो भी यूआरएल पे हम सेलेक्ट करते हैं ना, वो मेथड के एक पैरामीटर में हमको मिल जाता है। तो हम मैच करके वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि यूआरएल अगर ये स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्शन कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोग को कोड दिया भी था मेरे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, यहाँ से जो सलेमपुर बाजार करके है इसमें मैंने वो कोड लिख रखा है ना। सो जावा एसआरसी के अंदर जाके, अच्छा ये वाले जो एंट्री इन्होंने बताया कौशलन सर ने कि यूज ट्रैफिक वाला है ना, तो ये कई बारी नॉर्मल केस में भी नहीं चलता है एप्लीकेशन, है ना, नहीं लोड हो पाता है वेब पेज, तो ये सब डाल के ही चलते हैं हम। ठीक है, तो कौन सा काम करना पड़ेगा भाई हमें, कौन सा काम करना पड़ेगा? ठीक है, कहाँ गई भाई क्लास, कहाँ गई क्लास? ये माई क्रोम ब्राउजर हमें बनाना पड़ेगा अपनी एक क्लास, जो कि क्रोम वेब क्रोम क्लाइंट से एक्सटेंड कराना पड़ेगा, और उस क्लास की ये सब मेथड हैं जिसको ओवरराइड करके हमें सारा कोड लिखना होगा। ठीक है, ये सब उसी के ही मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स, मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी इसमें लगा रखे हैं। तो ये सारा कोड यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और अपनी मेन एक्टिविटी में ही लगा दूँ या अलग से कहीं लगा दूँ? ठीक है, तो ठीक है, ये तो फ्रेगमेंट है ना, फ्रेगमेंट है तो फ्रेगमेंट में कैसे लगेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्टिविटी क्लास होती है तो डायरेक्टली कोड, चलो कोई बात नहीं, है तो क्लास ही ना, तो क्लास के अंदर ये मेथड है और इस क्लास के अंदर ही मैं ये क्लास बना लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक बार बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि जी ठीक है, प्राइवेट क्लास, तो मैं इसी के अंदर ही एक क्लास को कॉपी पेस्ट कर दिया, इतना सारा तामझाम है भाई। तो वेब क्रोम क्लाइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, वेब क्रोम क्लाइंट का ऑब्जेक्ट गेट करना पड़ेगा, कर लिया, ये बिट मैप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिट फ्रेम लेआउट, बिट मैप फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे हम गेट एक्टिविटी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेगमेंट में गेट एक्टिविटी चलती है। अब देखिए गेट विंडो मेथड एक्टिविटी क्लास का ही मेथड होगा, तो गेट एक्टिविटी डॉट गेट विंडो चला देंगे हम, राइट तो जहाँ पे भी ये मेथड नहीं चल रहा होगा, अगर आप फ्रेगमेंट में कोडिंग कर रहे हो तो बस उसमें आप एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, क्या, गेट एक्टिविटी। ठीक है, गेट एक्टिविटी, ओके, बाकी तो अभी देखो इसमें बहुत सारे एरर आ रहे हैं। ठीक है, सबको एक एक करके हमें हैंडल तो करना ही है, सारे एरर मैं हटाता हूँ।
और मैंने क्या कोड लिख रखा है और मैंने क्या हैंडलिंग कर रखी है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एक्टिविटी के जगह पे जी गेट एक्टिविटी लिख दीजिए, गेट एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट है ना, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड चलाना है जो कि मेन एक्टिविटी नहीं है, होम फ्रेगमेंट है। ओके चलिए ठीक है, एक एक करके चलाएंगे तो अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए जो हमने क्या करा है, माई क्रोम करके हमने क्लास बनाई है, ये माई क्रोम क्लास जो है वेब क्रोम को एक्सटेंड करती है। ठीक है, और इसके कुछ मतलब कॉल बैक मेथड हैं जो हमें ओवरराइड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये और इसका ऑब्जेक्ट उठा के हमें ऊपर पास करना पड़ता है। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ों की हैंडलिंग कर रखी है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ बहुत सारा एक्सटर्नल एडिशनल कोड आ रहा है। मैं एक मिनट ज़रा ये सारा एरर जो है सॉल्व कर देता हूँ फिर आप। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें से जितने भी एरर हैं अभी सॉल्व कर दिया है, और जो हमारा माई क्रोम क्लाइंट करके हमने क्लास बनाई है इसमें हमने अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ करने का कोड लिखा है। क्या कोड लिखा है मैं भी बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सेटिंग और हम कर लेते हैं इसमें। वो सेटिंग ये है कि जैसे मान लीजिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है और एप्लीकेशन चला रहा हूँ मैं, तो ये एप्लीकेशन में अगर मैं इंटरनेट अपना बंद कर दूँ, खैर इंटरनेट बंद करूँगा तो आपका कॉल कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंटरनेट अभी बंद कर दूँगा, ठीक है, तो उस केस में ये एप्लीकेशन हमें क्या देगा, कुछ नहीं, ऐसे ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो इसलिए मैं एक चेंजेस और इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको साथ ही साथ में बताता हूँ वो चेंजेस क्या हैं। वो चेंजेस हैं कि भाई आप अपने ऐप में जाइएगा, ऐप के अंदर जो रिसोर्स है, जो ड्राइवल है, ड्राइवल में जो मैंने वेब व्यू ले रखा है उसके साथ ये टेक्स्ट व्यू भी एक लगा लेना है। तो मैं एक काम करूँगा, इसमें जो कुछ भी है पूरा कॉपी करके और आपके जो फ्रेगमेंट का एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ वेब व्यू बस लिया गया था ना, तो मैं ये पूरा उठा के यहाँ कंस्ट्रेंट लेआउट भी चल रहा है, मैं सारा हटा के यहाँ पे एक नया ऐड कर दिया सारी कहानी। वेब व्यू बन गया, उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू बन गया, उसके नीचे एक फिर टेक्स्ट व्यू बन गया, फिर नीचे मैंने एक बटन, अच्छा ऑन क्लिक करके यहाँ रिफ्रेश नाम से एक बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एंटर मार देता हूँ इसमें ऐसे ऐड नहीं क्रिएट कर देता हूँ, तो मेरी फ्रेगमेंट क्लास में इसी नाम से बटन बन के आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से स्प्लिट करके इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे तो इसमें क्या आपको दिखेगा, आप देखिए एक तो हमारा वेब व्यू हो गया है ना, ये वेब व्यू हो गया। मुझे लग रहा है इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको डिज़ाइन मोड में ही वन लिखा कहीं रिफ्रेश करने का भी बटन हो। देखिए अब सही दिख रहा है। तो देखिए एक वेब व्यू है जो कि इसका विड्थ लिया गया है, विड्थ लिया गया है मैच पैरेंट, और हाइट दे दिया हमने रैप कंटेंट। ठीक है, और हाइट रैप कंटेंट लेके इसे इसका मार्जिन दे दिया, मार्जिन बॉटम 0 dB का दे दिया गया है। कंटेंट के हिसाब से रैप होगा, कंटेंट बड़ा होगा उसी हिसाब से दिख जाएगा। टेक्स्ट व्यू लिया गया है, ये टेक्स्ट व्यू बेसिकली उसी लिए है कि जी आपको जो सेंटर में ले लिया गया है, जिस टेक्स्ट व्यू पे हम एक रन टाइम का मैसेज प्रिंट कराएंगे कि भाई अभी जो है
इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, समझ रहे हो इस टाइप की चीज। तो इसमें दो टेक्स्ट भी लिया गया क्योंकि उसमें दो टेक्स्ट, शायद बड़ा सा एक टेक्स्ट में नहीं आ रहा था तो उसके नीचे एक दूसरा टेक्स्ट लिया गया होगा, तो ये काम एक करना है। तो मैं पहले मैं ये वाला कोड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, फिर मैं ये क्रोम वाला जो कोड यहाँ पे दिखा, मैं क्रोम क्लाइंट जो मैंने यहाँ पूरा ओवरराइड किया है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में ही आते हैं हम, और मेन एक्टिविटी में ही अब मैंने सारा कोड जो है एक नए मेथड में लिखूंगा, ठीक है ना। उस मेथड का नाम है भाई लोड पेज करके, ठीक है। ये देखिए लोड पेज करके मेथड बना दिया गया है जो कि एक्टिविटी क्लास में ही कॉल कर दिया जाएगा इस तरह से। तो मैं ये लोड पेज मेथड जो है अब यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ, ये सारा मेथड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश, चलो रिफ्रेश भी ले लो, इज ऑनलाइन भी ले लो, ठीक है, इज ऑनलाइन ले लो, बाकी नहीं चाहिए, बाकी भी ले चलेंगे, बाकी का अलग पर्पज है वो भी ले चलेंगे, ठीक है। तो अपनी मेन एक्टिविटी में आइए, यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे जैसे आपने ये सारा मेथड बना रखा है इसी क्लास में ही, जैसे ये ऑन क्रिएट मेथड है ना, ऑन क्रिएट है, ऐसे ही हम एक ये मेथड यहाँ पे बनाएंगे, ये ऑन क्रिएट ही मेथड है ना, हाँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया हमने, तो ये सारा आ गया, ठीक है। किसका क्या यूज है आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं इस मेथड का यूज बताता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको कोड बता रखा है, इवन ये कोड तो मैंने उसमें लिख रखा था जो आपका क्या कहते हैं उसे, जो हमने एक यूटिलिटी बनवाई थी उसमें लिख रखा था, है ना, उस यूटिलिटी में ही लिख रखा था और वहीं से हम इसको यूज कर रहे थे। गेट एक्टिविटी डॉट गेट सिस्टम सर्विस नेटवर्क इन्फो कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्ट ओके कनेक्टिफाई मैनेजर ओके। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है भाई, एड परमिशन एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। एक्चुअली हमें एक्सेस नेटवर्क का परमिशन जो है मैनिफेस्ट में ऐड करना होता है वैसे भी, तो मैंने इंटरनेट का भी कर दिया है, एक्सेस नेटवर्क का जी की एक्सेस नेटवर्क का परमिशन वहां से क्लिक करके ऐड कर दिया, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस करने के लिए अलग से लिखना पड़ता है। चलिए होम फ्रेगमेंट में आ जाइए, अब देखिए क्या कोड लिखा गया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। कनेक्टिफाई मैनेजर का ऑब्जेक्ट लेके उसका नेटवर्क इन्फॉर्मेशन निकाल लिया गया और चेक कर लिया गया अगर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नल है या इज कनेक्टेड है, सॉरी नॉट कनेक्टेड है, तो उस केस में अगर ये दोनों नहीं है, सॉरी कनेक्टेड नहीं है और कनेक्टेड है और नल नहीं है तो ट्रू दे देना, नहीं तो फॉल्स दे देना, सिंपल सा मतलब है। तो ये मेथड जो है ये चेक कर रहा है कि भैया इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो हम जब अपना कोई भी एक्शन करें तो इस मेथड को चला लें और उसी के थ्रू देख लेंगे कि जी इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक। तो देखिए हमने क्या करा, हमने देखिए ये जो लोड पेज करके एक मेथड है इस पेज में देखिए लिख दिया इफ़, और इफ के अंदर यहाँ पे क्या गया, इस मेथड को कॉल कर दिया गया। तो इफ अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो अंदर का कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। बताइए भाई इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर आ रही है, ऊपर से जा रही है सर। ओके, तो मैं अपने वेब व्यू को ना ग्लोबल बना लेता हूँ, पहले चीज वेब व्यू, वेब व्यू को ग्लोबल बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा तो वेब व्यू का ही मेथड वही गेट सेटिंग वेटिंग जो होता है, जो हमने यहाँ पे अभी कोड लिखा था ना, ये सारा कोड लोड यूआरएल वगैरह वगैरह ये है ना, वेब व्यू की आईडी गेट करके लोड यूआरएल और ये सारा हटा देता हूँ मैं, ठीक है।
बस मैंने वेब व्यू की आईडी गेट करी हुई है, बस इतना ही काम किया है, वो सब मैंने हटा दिया। अब जो है हमारा अलग से एक मेथड बन चुका है जिसका नाम है लोड पेज, और लोड पेज मेथड को मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा ऐसे, बस दैट्स इट, ये मेथड कॉल कर दूंगा अपनी ऑन क्रिएट मेथड में, ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू मेथड में। ओके, लेकिन जैसा कि हमने कल भी अभी देखा है कि फ्रेगमेंट, ये तो फ्रेगमेंट है और फ्रेगमेंट व्यू रिटर्न करता है, फिर उस रिटर्न व्यू पे हम कुछ एक्शन करते हैं, समझ रहे हो, तो ये सब कोड दिखाने वाला कोड जो है और ये सब फ्रेगमेंट मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जी ये इसको इस पे ना करके इसका जो ऑन स्टार्ट मेथड है ना उसमें करना चाहिए, क्या आप कह रहे हो। जैसे मान लो कि मैं कभी अपने फ्रेगमेंट में कुछ अलग से कुछ एक्शन दिखाना चाहता हूँ, फ्रेगमेंट अभी लोड ही नहीं हो पाई है या कुछ और कोई दिक्कत हो गई है, और मैं उस पर क्या करूँ कि भाई कहूँ कि ये चीज़ हो जाए वो चीज़ हो जाए, तो वो हो ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, तो इसीलिए जी मैं यहाँ से ये सब हटा के, ये भी कोड हटा के, यहाँ से ये व्यू रिटर्न वटर्न जो मैं करा रहा था ना पहले, वो मैं ऑन स्टार्ट के अंदर करता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये मैं गेट एक्टिविटी से फाइंड व्यू आई आईडी निकाल लूँगा, और यहाँ से लोड पेज, तब जाके ताकि जब हमारा व्यू क्रिएट हो जाए प्रॉपरली, जब क्रिएट हो जाए है ना वो रिटर्न हो जाए, नहीं तो ये रिटर्न ही नहीं हुआ और फिर वो इन्फ्लेटिंग एक्सेप्शन थ्रो करने लगे, तो इसीलिए ये पहले से ही हमने इसको ओवरराइड कर लिया। अच्छा, अब लोड पेज चला दिया। लोड पेज मेथड में जी वेब व्यू का मेथड होता है जी गेट सेटिंग, जिसे हमें वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, वेरिएबल का नाम वेब व्यू ना करके एम वेब व्यू कर देते हैं, ताकि कहीं चेंज ही ना करना पड़े, एक जगह चेंज करें सारे जगह चेंज हो जाए, काम वो करना चाहिए जो आसान हो, ये काम को बड़ा करने से फ़ायदा क्या है ना। तो देखिए अब यहाँ पे कोई एरर नहीं रह गया, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये अपने आप इफ़ कंडीशन ये चलेगा, ये चेक कर लेगा कि भैया ये पेज जो है हमारा में इंटरनेट है या नहीं है, होगा तो वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके अंदर आप देखिए एक नया कोड देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है लाइन नंबर 71 पे, 71 पे पहले हम क्या करते थे, सेट वेब क्लाइंट हम चलाते थे, जिसमें अपने क्लाइंट का ऑब्जेक्ट हमने खुद डाला था, ठीक है। अब हमने न्यू क्रोम क्लाइंट का, माई क्रोम क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना के डालेंगे। ये आपको यहाँ पे क्या दिखा था, वेब व्यू पे हमने क्या चलाया था लास्ट टाइम पे, सेट वेब क्लाइंट चलाया था, और वेब क्लाइंट के अंदर न्यू करके किसका ऑब्जेक्ट डाला था जी, वेब क्लाइंट का ऑब्जेक्ट डाला था। तो इससे क्या हो रहा था कि हम अपने क्रोम क्लाइंट को मतलब अपने ब्राउजर को हम अपने हिसाब से हैंडलिंग उसका नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब इसीलिए हम उसकी अपनी हिसाब से हैंडलिंग करेंगे और हम सेट वेब क्रोम क्लाइंट मेथड चलाएंगे, जिसमें हम अपने क्रोम क्लाइंट वाली जो क्लास हमने बनाई थी अभी, ये वाली क्लास माई क्रोम, ये जो नीचे बनाई गई है क्लास, ये देखिए ये क्लास, इसका ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिया, और इसको किसके एक्सटेंड कर दिया, क्रोम क्लाइंट से एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब इसका क्या यूज है वो आगे अभी आप देखोगे क्या इससे फ़ायदा मिलेगा हमें, ठीक है। बाकी वेब सेटिंग में जावा स्क्रिप्ट इनेबल कर दिया, वेब व्यू के बहुत सारे मेथड हैं, वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग है ना, कैशे मोड इसमें लिख दिया, नोट नो कह ले लोड कैसे, एल्स नेटवर्क, अगर नेटवर्क है तो इसको लोड कर दे, अदरवाइज मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, सारे मेथड जो है बस कहीं से उठा के छाप दिए गए हैं, जैसे सेव पासवर्ड ब्राउज़र, जैसे जो ब्राउज़र में जो पासवर्ड वासवर्ड लिखा जाए वो वेब सेटिंग में सेव हो जाए ना हो जाए, नाम से स्पष्ट है कि किसका क्या यूज है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेथड जिनका यूज भी नहीं था, बस कहीं से छाप दिए गए हैं और कुछ बात है नहीं, ठीक है। ये इम्पोर्ट कर दिया, देखो नाम से स्पष्ट है। अब आपको जैसे जैसे वेब ब्राउज़र है उसका जो डॉम है उसमें स्टोरेज इनेबल करवाना है कि भाई वो कुछ स्टोरेज भी कर सके, तो ट्रू कर दीजिए। जैसे आपसे मैं क्या कह रहा था कि जी वेब सेटिंग का जब ऑब्जेक्ट आपको वेब व्यू का ऑब्जेक्ट मिल गया, वेब व्यू से वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब वेब सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग होती हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं,
ठीक है, जैसे उसको जूम इन करना, जूम आउट करना। तो देखो वेब व्यू डॉट गेट सेट सपोर्ट जूम ट्रू, तो अब आप अपनी वेब व्यू को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो अपने, जैसे नॉर्मल नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में जूम इन जूम आउट वैसे नहीं होती है, नहीं तो अब ये कर सकते हो। सेट बिल्ड जूम कंट्रोल ट्रू कर दिया, सेट अलाउ फाइल एक्सेस, अब हम वहाँ से कुछ फाइल वाइल एक्सेस कर पाएंगे, समझ रहे हो कि अगर कोई फाइल वहाँ से डाउनलोड होगी तो उसको हम सेव कर पाएंगे, सेव फॉर्मेट डेटा वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ काटे गए हैं तो इसका मतलब जो है वो डुप्लीकेट हो गए हैं। बाकी वेब सेटिंग से जो है यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया कि अगर एच डी की ग्रेटर देन 21 होगा तो उसका मिक्स, उसका जो मिक्स्ड कंटेंट मोड है वो ट्रू कर दिया जाए। ये जूमिंग के लिए ही यूज़ करा गया है, जूम सेटिंग के लिए ही, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा फिर उसके नीचे यहाँ क्या करा गया, सेट वेब व्यू क्लाइंट में माई वेब व्यू क्लाइंट का ऑब्जेक्ट डाला गया है। तो भैया ये माई वेब व्यू क्लाइंट निकालना पड़ेगा, ये कोई क्लास होगी है ना, ये कोई क्लास होगी माई वेब व्यू क्लाइंट। कंट्रोल एफ करके सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ एम वाई माइक्रोम माई वेब व्यू क्लाइंट। यार ये तो उसी की तरह से ही क्लास है जैसे वो क्रोम क्लाइंट वाली क्लास है, उसी तरह से क्लास है ये, है ना। तो मुझे लग रहा है कि उसका यूज नहीं करा जा रहा होगा, ये भी वेब व्यू क्लाइंट को एक्सटेंड कर रहा होगा, वो उसी तरह से ही क्लास है वो, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरे केस में इसे ही यूज कर रहा हूँ, उसे भी यूज कर रहा हूँ, कुछ केसेस में क्या पता मैं इसे यूज कर रहा हूँ, कुछ केसेस में उसे यूज कर रहा हूँ। तो अब आपको पता चलेगा इसका ये बहुत ज़्यादा यूज था, कई बार इतना सारा कोड मैंने खुद ही लिख दिया था, मुझे पता ही नहीं था क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी मैं इसको रिकॉल भी करूँगा, तो आपके साथ ही रिकॉल करूँगा उसे। चलो मैं अभी के लिए थोड़े देर के लिए मैं इसमें माई वेब व्यू क्लाइंट की जगह पे माई क्रोम ऐड कर देता हूँ, ना मानेगा क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड जो है ये वेब व्यू क्लाइंट है और क्रोम क्लाइंट है। अच्छा ये वेब व्यू क्लाइंट से एक्सटेंड कर रहा है, वो क्रोम क्लाइंट से एक्सटेंड कर रहा है, यही अंतर है। सर, हाँ बोलो बोलो। तो ये इसका जो वो ना मेथड, तो उसमें सर वेब क्लाइंट है सर, आप दे रहे हो क्रोम क्लाइंट। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इसमें तो नया क्या बोल रहे हो तुम तो सर चेंज कर दो ना सर, वो मेथड चेंज कर दो। अरे तो भाई उसी को सोच के कुछ लिखा गया होगा ना उसमें कोड, चिंता जो करो, क्या है चिंता कर रहे हो, अभी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। यहाँ से हम माई क्रोम क्लाइंट करके है ना, ये एक माई क्रोम क्लाइंट, ये माई वेब व्यू क्लाइंट करके एक क्लास है ना, इसको कॉपी कर लो, उठा के वहाँ डाल दो, दिक्कत क्या है। इसका भी कोड है कुछ जो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कोड इसमें बहुत सारा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोड आप समझ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो है ब्राउज़र को हैंडल कर पाओगे, उसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग ऑप्शन आप हैंडल कर लोगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे, सिंपल सा मतलब है। तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये क्लास। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ एक्सेप्शन आने शुरू हो जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शन आएगा तो आएगा। अब उसको हैंडल करना पड़ेगा, मतलब सारे एक्सेप्शन को मुझे फिक्स करना पड़ेगा, है ना। देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारा यहाँ से एरर हटा दिया है ना। और अब देखिए यहाँ पे ये इफ वाले कंडीशन में ये सारा चीज़ है, और एल्स में नीचे क्या लिखा हुआ है, एल्स में यहाँ पे लिख दिया गया है कि टेक्स्ट व्यू के ऊपर ये लिखा आ जाए कि भाई यू आर ऑफलाइन और यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और एक टेक्स्ट फील्ड आ जाए, एक बटन आ जाए रीलोड का, और जब रीलोड बटन पे क्लिक करो तो वेबसाइट फिर से रीलोड हो जाए, ये मतलब इसमें इंप्लीमेंट करा गया, और रिफ्रेश के लिए यहाँ पे कोड है। लेकिन ये फिर आगे कैसे कैसे काम करेगा और ये सारे कोड क्या है, ये सब मैं आपको अभी अगले सेशन में बताता हूँ, इस सेशन में नहीं है।